हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानियाँ वैसे तो हम अक्सर ही सुनते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी थोड़ी अलग है। और अगर आपने ये कहानी बहुत ध्यान से सुनी तो आप अपने रिश्तों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और उनकी तरफ आपका नज़रिया भी बदलने लगेगा। तो एक बार एक जानवर होता है जिसे बोलते हैं पॉर्क्यूपाइन। और ये एक ऐसा जानवर होता है जिसके शरीर में काफी कांटे होते हैं। उनका एक झुंड होता है पॉर्क्यूपाइन जानवर का, और काफी ठंडी बढ़ जाती है उस शहर में, उस जगह पे। उनके पास दो चॉइसेस होती है। पहली चॉइस ये कि वो एक दूसरे के नजदीक आए और एक दूसरे की जो शरीर की गर्मी रहती है तो उससे उनको राहत मिले। लेकिन इसमें ये एक खतरा था कि अगर वो एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे के जो कांटे हैं उनसे उनको घाव हो सकते हैं, उनको चोट लग सकती है, और फिर उससे उन्हें काफी दर्द सहना पड़ेगा। और फिर दूसरी चॉइस ये कि इतनी ठंड थी और ऐसी ठंड में भी वो अकेले अकेले रहे, क्योंकि अगर उन्हें डर लग रहा है कि उन्हें वो एक दूसरे के पास जाएंगे, उन्हें चोट लगेगी, फिर इतना दर्द होगा, तो वो अकेले अकेले ही रहे। लेकिन ये काफ़ी जाहिर सी बात थी कि अगर वो अकेले अकेले रहे तो ठंड बढ़ती जाएगी और उनकी आखिर में मृत्यु वो तो निश्चित था। तो इस तरह से उनके दो ऑप्शन थे, दो, और वो सब सोच रहे थे कि अब क्या करें। काफ़ी ऐसे थे जो अकेले अकेले रह रहे थे, तो उनको बहुत डर लग रहा था पास आने कि वो जाएंगे फिर उनको चोट लग जाएगी, तो वो अकेले रह रहे थे। और कुछ थे जो उनको लगा कि ठीक है, थोड़ी चोट लगेगी और थोड़ा दर्द होगा, लेकिन वो एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे। वो इस ठंड की वजह से वो मृत्यु नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी डेथ हो, तो एटलीस्ट वो जिंदा रहेंगे और आगे उनकी लाइफ चलती रहेगी। तो आखिर में यही हुआ कि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी और जो जिन्होंने अकेले अकेले रहने का डिसीजन लिया था कि हम अकेले अकेले रहेंगे, तो उनकी तो डेथ हो ही गई। लेकिन जो साथ में थे, जो जिन्होंने ये डिसाइड किया कि हम साथ में रहेंगे, और जिन्होंने ये सोचा कि ठीक है थोड़ी बहुत चोट लगे बट चलता है, तो वो सब लोग जिंदा रहे। और जो चोट थी तो एक दूसरे को उन्होंने मदद भी करी कि उस चोट के घाव को भरने में भी और हर चीज़ में एक दूसरे की मदद करी। चोट लगना तो लाजमी था, वो जानबूझ के नहीं उनको चोट देना चाहते थे, लेकिन अब उनका नेचर ऐसा था कि उनका शरीर, उनकी बनावट ऐसी थी कि वो ना चाहते हुए भी चोट दे रहे थे। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि हम सबसे अलग हो जाएं, हमें दुख दर्द हमें ये नहीं चाहिए कि कोई हमें हमें आहत करे या हमारा दिल दुखाए, तो हम सबसे दूरी बना लें, हर एक से दूरी बना लें अपनी ज़िंदगी में जो भी है सबसे दूर। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये कि हम ये सोचें कि ठीक है, थोड़ा बहुत दुख चलता है, कि थोड़ा बहुत अगर कोई हमें दुख दे रहा है तो चलता है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो अच्छा पहलू है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो लोग ही हमारी मदद करते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं जो हमने बनाए वो ही आके हमारी मदद करते हैं। जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है तो हमारे दोस्त, हमारे जो हमारे करीबी हमें सुनते हैं, हमारे दुखों को सुनते हैं, हमें समझते हैं और
हमें ज़िंदगी में हम क्या गलत कर रहे हैं हमें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा, तो इसी तरह से हमारे पास दो ऑप्शन हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है, बट हमारा वो पर्सनल एक डिसीजन रहता है कि हम क्या चुने, या एकदम अकेले हो जाए सबसे दूर, कि अगर आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि कोई आपको दुख पहुंचाए तो बिल्कुल दूरी बना ले, या फिर दूसरा कि थोड़ा बहुत हम सोचे कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ जो खुशी है, जो एक उस रिश्तों का जो सुख है वो भी मिलता है। तो ये थी आज की कहानी, और थैंक यू।